नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ दुर्ग जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दुर्ग जिले का मुख्य आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां छत्तीसगढ़ के परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर उपस्थित रहे। दुर्ग में आयोजित मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर उपस्थित हुए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़कर शांति और खुशी का पैगाम दिया। इस कार्यक्रम में मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को दिए गए संदेश का वाचन किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोरोना संक्रमण के कारण परेड भी नहीं निकाली गई, लेकिन जोश और उत्साह से लबरेज जवान प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त के मुख्य आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष भी किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ और न ही स्कूली बच्चों की आयोजन के दौरान उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लोग ही इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शामिल हुए। भले ही कोरोना संक्रमण के कारण स्वतंत्रता दिवस का जश्न खुले तौर पर नहीं मनाया गया, लेकिन लोगों की देशभक्ति और उत्साह में कहीं कमी नहीं आई। जो लोग जहां थे वहीं से उन्होंने इस पर्व का जश्न मनाया। मैं नमन करता हूँ मोर्चे पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3.25 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आज़ादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आज़ादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगी।